जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चीनी की मौजूदा मांग और मामले में 8 और FIR दर्ज की है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कराई गई परीक्षाओं में कथित धांधलियों के मामले में अब तक एजेंसी कुल 23 मामले दर्ज कर चुकी है। CBI ने इसमें